व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, कैसे हो सारे? हम आ गए हैं लाइव। अरे यार, ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ करेंगे। अरे भाई साहब, मुंबई वर्सेस गुजरात, मुंबई वर्सेस गुजरात चल रहा गाइस, मुंबई वर्सेस गुजरात। और मैं लाइव आऊंगा, ये किसी ने ना सोचा थी, किसी ने सोची ना होगी। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, बहुत ही जबर सीन चल रहा है। क्या हाल चाल है गाइस? हाउ आर यू ईच वन ऑफ यू? प्लीज अपना अपना परिचय जरूर दें हमें। बिकॉज आज कुछ डिफरेंट करने का मूड था तुम्हारे भाई का, तो तुम्हारे भाई ने बहुत सारा कुछ डिफरेंट कर दिया। बढ़िया भाई, बढ़िया। वी आर लाइव ऑन क्रिकेट बाय आरजी एज वेल, सो इफ एनीबडी वांट्स टू जॉइन अस देयर, यू गाइस कैन जॉइन मी। आई एम लाइव ऑन रिव्यू बाय आरजी एज वेल, इफ यू वांट टू जॉइन मी देयर यू कैन डू इट एज वेल। तो ऐसा कुछ चल रहा है। ये बॉय, कैसे हो सारे? आरआर जीत गई संजू बाबा। मैंने तुम्हें कहा था कि आरआर जीतेगी, मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए। आज तक कभी हुआ है? प्रेडिक्शन ना गलत हो रही काके, प्रेडिक्शन ना गलत हो रही हमारी। अभी देख लो 69-42 चल रहे हैं, अभी स्कोर कार्ड लगा दूंगा। 2-4 मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी सेटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद स्कोर कार्ड लगा दूंगा। तुम आराम से स्कोर कार्ड देखना, साथ में अपन बातें करेंगे कौन जीतेगा आरजी। मेरे हिसाब से गुजरात के चांसेस ज्यादा हैं, अगर 180 से ऊपर टारगेट ले गए तो। अगर 180 से ऊपर ले गए तो गुजरात के चांसेस आर ब्लडी हाई। स्कोर कार्ड मत लगाओ, कॉपीराइट आता है। हाँ ऐसा भी होता है, मैंने नहीं पता जी यार, सॉरी भाई, मेरे को नहीं पता था। क्या हाल रमनदीप, हाउ यू ब्रदर? एक सेकेंड, ये रिव्यू वाला है। ओके गाइस, आप जॉन से भी चैनल पे देख रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। और एक चीज और कर देना प्लीज, चैट के सॉरी लाइक जरूर कर देना प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एसके एडिट्स भाई, हार्दिक बू कर रहा है अहमदाबाद की ऑडियंस टॉस के टाइम। बनता था भाई, बनता था, मेरे हिसाब से तो बनता था। बाकी देखो तुम्हारा क्या विचार है ये तुम जानो, मेरे हिसाब से ऑडियंस का गुस्सा बनता था। जो हरकत हार्दिक भाई ने करी है उस हिसाब से बनता था। 78-42 भाई साहब, लंबे लंबे छक्के पड़ रहे हैं इस टाइम पे, नहीं पड़ रहे, बच गया, लेकिन मिस फील्ड हुआ है। कहां तो कैच होता है लेकिन चौका चला गया, बताओ नजायजी हो रही है। कैप्टेंसी अच्छा कर रहा है पांड्या। यो ब्रो, आई गॉट दैट, ये तो आपकी बात सत्य है, बट थोड़ा दुख होता है मेरे को गुजरात वालों के लिए ना, कि बीच मझधार में कैप्टेंसी के लालच में मुंबई इंडियंस में जो गए हैं पांड्या जी, वो थोड़ी गड़बड़ कर दी। बाकी ठीक है यार, चिल है, ऑल गुड,
एवरीथिंग इज फाइन, मैं अभी क्या ही बोलेगा। तो तुम लोग क्रिकेट बाय आरजी पे भी ये लाइव देख सकते हो इफ यू गाइस वांट। तो पैसे के पीछे क्या भाई बिल्कुल आई अग्री। यार लोगों को लगता है कि ऑडियंस को समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन ऑडियंस से ज्यादा शातिर शाना कोई नहीं है भाई। रोहित नु बाउंड्री तक खड़ा था। ओ प्रावा मैंने जूत खाने हैं, इस चीज का कोई हीला नहीं है वीरे। बाकी जो होंदा हो जाए वीरे, पर गाल नहीं कढ़नी। कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से तो भाई मैं तो देखो दिल तो मुंबई की तरफ जाता है, लेकिन हार्दिक की हरकत के बाद अब जो चल रहा है सीन, गुजरात अगर 180 से ऊपर डेवलप कर लेगा स्कोर तो चांसेस हैं जीतने के, हाई स्कोरिंग में चांसेस हैं। अगर 180 से कम रहे फिर नहीं जीतते। ओनली रोहित कैन कैप्टन फॉर मुंबई ब्रो। मैं तो खुद रोहित की कैप्टनसी के साथ हूँ। हार्दिक पांड्या 2 ओवर में 20 खुद ओपन करने आया बॉलिंग भाई। मैं तो कह रहा था और सूतते साले। रजाक नदाब बोल रहा है कि मेरा नाम भी लो भाई। लो भाई आपका नाम भी ले दिया। पैसे के पीछे गया है, पैसे के पीछे गया है। आरजी भाई इंपैक्ट प्लेयर भी है, याद रखो। अग्री ब्रो, अग्री 100%। लो भाई तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, आई होप तुम्हें अच्छा लगे और बहुत ही मजा भी आवे। थोड़ा अच्छा लग सकता है। नाइन्टी फोर टू चल रहा है 10.3 ओवर के बाद। साई सुदर्शन 25 रन, अजमतुल्ला उमर जाए 8 रन। गिफ्ट लाए हो क्या हैप्पी होली आरजी भाई? भाई मैं नहीं मना रहा हूं होली इस बार। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो द रीजन। बुमराह होने के बावजूद हार्दिक ने पहला ओवर बोलो अब। हार्दिक खुद कैप्टन है भाई। आपका कैमरा हॉरिजॉन्टल फिट कर दो। ओके भाई, बट अभी फिलहाल तीनों चैनल्स पे यही फॉर्मेट में आ रहा है। देखा, सिर्फ टेलीविजन वाले 3-3 चैनल्स पे नहीं आ सकते, हम भी आ सकते हैं। अबे छक्का मारा ओ कैच पास से निकली भाई बॉल। अबे छक्का मारा गंदा वाला लॉन्ग ऑन पे यार, बहुत जबरदस्त सिक्स था यार। लॉन्ग ऑन पे छक्का मारा इसने उमर जाई ने।
एक बड़ी जबरदस्त चीज हो रही है भाई। नाइनटी नाइन फॉर टू, 11वां ओवर, पांड्या खुद कर रहा है। इन्हें जूत खाने देखियो, इन्हें चंगे जूत खाने हैं जेडे हालात चल रहे हैं ना। नहीं हाँ, पांड्या नहीं कर रहा, पांड्या नहीं कर रहा भाई। कोज़े कोज़े जेराल्ड कोज़े। हर्षित राणा की 60% मैच फी कट कर दी, बहुत एक्सपेंसिव पड़ी फ्लाइंग किस। कर दी होगी भाई, उसने तो किस कर दी ना, किसको करी फ्लाइंग किस, मैं ये जानना चाहता हूं। मुद्दे की बात यह है कि उसने करी तो करी किसको। गॉट माय पॉइंट? बताओ, क्रिकेटर वहां बैठ के फ्लाइंग किसे कर रहे हैं? जयेश साहब बर्दाश्त कैसे करेगा? मयंक अग्रवाल को आउट करने पे कर रहा था किस। वाह, आजकल की क्रिकेट वैसे भी फुटबॉल एटीट्यूड वाली है। 101 पे दो, 11 ओवर, 11.3 ओवर, नाइस, गुड गोइंग गाइस, गुड गोइंग। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जो जो लोग हाल पूछ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक मेरे को लग रहा है ना आज के मैच का सीन, अगर तुम पर्टिकुलरली इस मैच की बात करते हो, तो भाई हाई स्कोरिंग मैच होता, मजा आएगा, क्योंकि कंपीट तो करेगी मुंबई। अरे लेग साइड की तरफ जा रही है, कहां आउट है यार। और बताओ, तुम लोग हो कहाँ कहाँ से, ये बताओ तुम लोग कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, मैं ये जानना चाहूंगा।
जब तक तुम मेरे को ये नहीं बताते तब तक मैं अगला अगली बात का जवाब ना दे रहा। अबे आउट, आउट ही कर दियो। उमर जाई घर गए 11 बॉल में 17 रन बना के। आरजी भाई प्रीति जिंटा को जीत देख खुशी हुई या काव्या मारहान को हारता देखकर? दोनों। फ्रॉम लुधियाना, ओके भाई, ओके ओके, आई एम ऑल्सो फ्रॉम लुधियाना, वेलकम टू द लाइव ब्रो, वेलकम टू द लाइव। आप हमें हमारे किसी भी चैनल पर देख सकते हैं। इस टाइम हम लाइव हैं, रिएक्शन बाय आरजी, रिव्यू बाय आरजी और क्रिकेट बाय आरजी पे। अरे भाई साहब, अब मेरे ख्याल से लगातार 3 ओवर बुमराह के आएंगे, या 1 ओवर कराने के बाद आखिरी वाले 4 ओवरों में 2 ओवर बुमराह के होने वाले। बुमराह को रन नहीं पड़ते यार। वेस्ट बंगाल मालदा मैंगो सिटी आरजी भाई, ओके। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि हर बार ऐसे ही फील कराती है कि गुजरात जब पांडे आता बैटिंग करने। अरे तुम में से कितनों को बुरा लगा था? हाँ भाई, एल्विस का ब्लॉग देखा, बिल्कुल देखा, मजा भी आया देख के, और मैंने उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। यू गाइज वॉन्ट टू वॉच यू कैन। भाई रिव्यू बाय आरजी पे अगले आधे घंटे में लाइव बंद हो जाएगी, लेकिन क्रिकेट पे और रिएक्शन पे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है? सेटअप टूर वीडियो कब आएगा? 1-2 दिन में शूट है भाई, मैं करके बता दूंगा तुम्हें। और हाँ, व्लॉग शूट होने चालू हो चुके हैं।
भाई आरआर वर्सेस एलएसजी मैच देखे देख के आया मैं अभी स्टेडियम में। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दैट एक्सपीरियंस। अगर कोई बंदा ज्वाइन करना चाहता है मेरे को लाइव पे बात करने के लिए, एनीबडी कैन ज्वाइन, ओपन है भाई आज। क्या दिक्कत, एम आई विल विन द मैच वन साइडेडली? क्यों भाई? काहे? अच्छा स्कोरबोर्ड दूसरा लगाऊं कि यही वाला? ठीक है सेटअप टूर आ जाएगा भाई, जल्दी आएगा, डोंट वरी। तुम लोगों ने अपनी सिटीज नहीं बताई कि कहाँ कहाँ से हो भाई, सिटीज भी बता दो फटाफट फटाफट करके। एक एक बार अपनी सिटी शेयर करोगे फिर ही मजा आएगा ना लाइव देखने में, बात करने में। हार्दिक और ईशान किशन को तो इंडियन टीम से निकाल दिया ना। आई थिंक बनता भी है वैसे तो। क्योंकि जो प्लेयर सिर्फ आईपीएल के लिए अवेलेबल है, इंटरनेशनल मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, उनको खिलाने का क्या लॉजिक? जियो सिनेमा पे देख रहा हूँ। हाँ, जियो सिनेमा पे देख रहा हूँ। अय्यर और ईशान किशन, यस। और बताओ तुम लोगों का क्या चल रहा है? विच टीम यू गाइज आर एक्चुअली सपोर्टिंग? तुम्हारे लिए पोल डाला हुआ है, तुम लोग पोल पे बताओ क्या कहते हो। पांड्या को मिल गया एक ग्रेड वाला, वो अंबानी जी पर है पिक्चर।
अंबानी जी है ना पीछे, आईपीएल से 2 महीने पहले क्रिकेट खेलना छोड़ देगा ना वो, इंजरी वगैरह रिकवर करके आईपीएल खेल सके तसल्ली से। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? भाई अब 10:30 बजे तक ऑनलाइन रहोगे या नहीं रहोगे? अब तो यार मैच ही देख रहे हैं साथ में बैठ के, जब तक मैच चलेगा तब तक लाइव की सांस चलेगी। ये रोहित बुमराह भी निकल जाना चाहिए सूर्या की तरह। बीसीसीआई शुड सेंड देम टू यूएस टू वॉच दैट न्यूयॉर्क स्टेडियम गेटिंग बिल्ट इंस्टेड ऑफ प्लेइंग फॉर। एग्जैक्टली मेरे को तो हार्दिक ही बुरा लगने लग गया भाई, खुद आ गया फिर से ओवर करने। इसको तो पकड़ के सूता बहन चो, इसको तो ओनर ही बोल के भेजे, ओनर या टीम के प्लेयर ही बोल के भेजे बहन चो, जब हार्दिक आ जाए तब खेलना। आपका नोटिफिकेशन नहीं आया व्योम कह रहा, व्योम तीनों पे लाइव हूं मैं। तीनों चैनल्स पे एक साथ लाइव, सर दर्द हो गया मेरा बहुत ज्यादा। खट्टा मीठा खाना, हाँ दे दो थोड़ा सा, और एक मेरा वो भी दे दो ना क्रैनबेरी। अरे ओ भाई साहब, मैं तो ये चीज सोच रहा हूं जिस दिन, मतलब इसको तो खुली छूट दे के भेजना चाहिए कि जितना सूत सकते हो इसको सूतो। जीटी जीत रही है, मैंने कहा ही था पहले बैटिंग वाले के चांसेस हाई हैं, 180 से ऊपर होगा तो कंफर्म हो जाएगा, अगर स्कोर 180 से नीचे रहता है तो चांसेस कम हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं तू लाइव पे ही आ जा, पेलो साले वो पेलो हार्दिक को जितना पेलना है, मारा चौका देगा।
लाइव नहीं आ रहा पेन टेबल मतलब। पॉइंट टेबल अच्छा, उनका पेन टेबल कौन सा लिख रहा है? अच्छा लाइव नहीं आ पाएगा, ओके ओके ओके, कोई चक्कर नहीं कोई चक्कर नहीं। चल चैट में तो तू है, ओ भाई अच्छा क्या लगता है हार्दिक को कितना पीटेंगे व्योम इस बार? तेरे को क्या लगता है, खुंदक निकाल के जाएंगे अपनी पूरी? मिनिमम 30 रन। अच्छा यार इसकी हवा ज्यादा खराब नहीं है हार्दिक की? अरे बंदे की तो क्राउड ही मार रही है अच्छे से, ये बात तो तेरी सत्य है। हाँ जी गुजरात वालों ने तो पहलना ही था, मैं तो सोच रहा हूँ खैर मनाओ मोदी जी नहीं आ गए गालियां देने। मेरे प्यारे भारतवासियों, हार्दिक को जितनी गाली देनी हो दो, तेरे टाइपिंग मिस्टेक बड़े जबरदस्त हो रहे हैं। आपका ये लेआउट खराब है, क्या होता है ये, खराब है या क्या सीन है? खराब है
अगला वॉच अलोंग दूसरे फॉर्मेट में कर लेंगे। नेक्स्ट वाला वॉच अलोंग थोड़ा बेटर फॉर्मेट में करेंगे। अरे आज तो मुझे लगा 8 बजे मैच चालू होएगा। एक 114 डेसिबल साउंड है क्राउड की, चेक करता हूं। भाई फिलहाल के लिए मेरे को मुंबई के लिए मैच तो खतरनाक लग रहा है। बस अब लगातार पांड्या लगा देगा, सॉरी बुमराह लगा देगा एक ओवर खुद करा के मेरे ख्याल से। ओवेंच विंजो के ऐड में महेंद्र सिंह धोनी और बॉबी देओल, एपिक। एक 133 पे 24 बॉलें बची हैं, बुमराह पड़ा है 160-165 मैक्स। ओ उठ गई कैच। कैच भाई कैच। भाई बुमराह बुमराह ही है।
पांड्या का सेलिब्रेशन तो भाई एक्साइटिंग लेवल का था। अब पांड्या यार खुशी तो सेलिब्रेट करेगा ही ना इतनी गालियां पड़ने के बाद। सिद्धू का कमेंट्री पे सुनना पड़ेगा। ओ गुरु जिस प्रकार सचिन का कोई सानी नहीं है। बुमराह से फिट हो जाओ। नहीं ज्यादा फिट होंगे हम, चिंता मत कर। आपके साथ लाइव आने के लिए क्या करना होगा? आ जा यार लाइव, क्या दिक्कत है? लिंक दूं? और 150 भी ना बन रहा भाई। बुमराह हावी पड़ गया। अरे यार ये कॉर्नफ्लेक्स वाला भुजिया होता ना वो खा रहा हूं। सही, सुदर्शन को घर भेज दिया भाई। अरे हाँ यार मैंने देखा ही नहीं, मुझे लगा अपडेट कर दिया होगा इन्होंने। अरे मेरी लाइव पीछे रह गई थी, सॉरी सॉरी। अरे भाई साहब एक विकेट और जाएगी मेरे को लग रहा है इस ओवर में। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस ओवर में एक विकेट और जाएगी। यार तेवतिया का सीन ये है कि कभी चला ना चला एक ही बात है। आई थिंक आकाश चोपड़ा को रिटायर हो जाना चाहिए कमेंट्री से। आकाश चोपड़ा शुड लीव। क्या करे भाई, नहीं भाई बस खाना बंद, मैंने 2-4 चम्मच ही खाने थे। एक्चुअली क्या था, मुझे था मैं डिनर करके 8:30-8:15 बजे 8:15 आई विल कम लाइव। पता चला 7:30 मैच चालू हो गया और ऊपर से पता चला मेरा थंबनेल बनना भी पेंडिंग है।
तो वो सारा करके आया हूँ, खाना वाना सब छोड़ के बीच में। बताओ। ब्रीजर पी रहे हो? नहीं यार, ब्रीजर नहीं है, तेरे को बाद में बताऊंगा क्या है। अरे एक ओवर पीछे चल रहा है। है भाई, ये कहां से आ गया? ओ आउट 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 आउट। अबे छक्का मार दिया बैंक चोट। अबे छक्का मार दिया। अरे यार तेवतिया छक्के मार लेता है। ओए स्लोअर बॉल विकेट पे लग के जा गई है, बॉडी पे लग के गई है। यू गॉट दैट ब्रो। पांच बॉल पांच छक्के मारे थे तेवतिया ने। अरे भाई कभी कभी ठीक है, इससे जब उम्मीद करो तब नहीं चलता। एक और चौका, वन मोर बाउंड्री। जहां तक अगर अभी बनाएंगे 150, 150 बनाएंगे, 160 तक तो जाएगा। ज्यादा भी बन सकते हैं यार, दो ओवर पड़े अभी, 180 मुश्किल है। है एक और चौका, एक और चौका। मैं तो हरियाणवी कमेंट्री सुनने लगा, भैंस ये पका रहा है। पंजाबी कमेंट्री सुनते हैं। भरावा बैठे थे लाइव तो लुधियाने वाले भी है। अब अच्छी ठुकाई होगी बहनचोद, अच्छी ठुकाई होगी। अरे मस्त कुटाई होगी अभी, सीरियसली भाई आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। हरियाणवी कमेंट्री सुनेंगे।
भाई साहब, अरे हरियाणवी कमेंट्रीज नेक्स्ट लेवल। अरे यार मल्टी लैंग्वेजेस में सुनने में मजा आ रहा है यार। वाइल्ड बॉल, ओ हो, वोट की सारी वोट हिली पड़ी है इस टाइम। पूरा प्रेशर है भाई, पूरा प्रेशर है। हरियाणवी कमेंट्री में पता क्या बोल रहे हैं, ल्यूक वुड तांबे वर्गा छोरा। ओ भाई क्या चल रहा है ये बकचोदी। थोड़ा कुछ खा खू के एनर्जी आ गई ना। अरे कोटजे से क्यों नहीं डलवा पाया, डलवाया पांड्या ने। कोटजे उसके डाल रहा होगा ना, अब बोला था ना तेरे को। अरे भोजपुरी कमेंट्री भी सुनूंगा मैं। फिर से स्लोअर आना ही बुमराह ने था यार। होम डिलीवरी नहीं है ना, नहीं तो मैं मंगा लेता ब्रीजर। आरजी भाई तुम्हारी प्रेडिक्शन गलत निकली, मुंबई जीतेगा गुजरात नहीं। मैंने कहा था पहले बैटिंग करके 180 से ऊपर रन बनाओगे तो चांसेस है। हाँ रवि किशन है भोजपुरी में। कुछ भी बोल देता भोजपुरी में, कहता छक्के मारे कम ज्यादा गिने ज्यादा। अरे भाई नेक्स्ट लेवल कमेंट्री है भाई। अरे तू चेक कर लियो अबे यार, अगले ओवर में 20 रन मार दो यार, मजा आ जाएगा। कहता तिलक वर्मा की पेट्रोलिंग टाइट रह ल। अबे ये क्या कमेंट्री है, अरे ये क्या कमेंट्री है। मेरा मन कर रहा तुम्हारे लिए कमेंट्री लगा के छोड़ दूं मैं। अबे अरे भाई लो, अरे क्लेम आ जाएगा यार। मैं देखता हूं अगली इनिंग्स में ट्राई करते हैं।
हेलो, कैसे हो भाई? रवि किशन ही बोल सकता था ये बात। कहता एक तरह से फुल टॉस भी खेली गई। ओ ओ यार, ही इज हिलेरियस, ही इज हिलेरियस। अरे अरे, ही इज हिलेरियस गाइस, हिलेरियस। ही इज टू फनी ब्रो। अरे यार, बहुत फनी है रवि किशन यार, एक्सेसिव लेवल पे फनी है भाई। कहते फुल टॉस नहीं खेली जा रही, जा वो लाना था। कौन करता है ऐसे कमेंट्री? आउट तेवतिया, आउट पहली बॉल पे। 161 for 5, 6 सॉरी, 6 6। अच्छा कैच पकड़ा भाई, अच्छा कैच पकड़ा। ये चूतिया शंकर कहां से आ गया? कैच अच्छा पकड़ा बरबर बंदे ने यार। अरे भाई साहब, आउट देंगे यार, आउट देंगे, नॉट आउट नहीं देंगे। नमन धीर ने कैच पकड़ा। पांच बॉलों में राशिद खान क्या करेगा? पांच बॉलों में राशिद खान क्या करेगा, मैं ये सोच रहा हूं। कैन ही टर्न इट इनटू 20 रन्स? यार 20 मार दे यार, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा मैच। बीस मार दे, मैच कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, टफ हो जाएगा मुंबई के लिए। फिर 180 से नीचे तो फिर है ही है। अरे स्लो ओवर वन, कहता जाट शॉट मारा, कहता जाट शॉट मारा राशिद खान ने। अबे ये क्या है ये?
कहता फिर जाट शॉट मारा। आवाज आ रही है आवाज तुम्हें नमन करिए चढ़ में गेंदबाजी आखिरी ओवर में कोई जेके लेकिन जो ना हिसाब से गेंदबाजी करत रही भैया डेब्यू मैच में ये बहुत बढ़िया विकल्प बने। नहीं करता भाई नहीं करता, क्यों कॉपीराइट खाना फालतू का, अभी हिम्मत नहीं है कॉपीराइट लेने की। हेलो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने मैच का। लास्ट बॉल में भी आउट लग रहा है, क्या बकवास चल रही है यार। 165 रन बनाए हैं, इवन कर दिया मैच और इस केस में लिटरली मुंबई अच्छा नहीं खेली लेकिन हैदराबाद ये गुजरात बकवास खेली है। अरे पहुंच गया भाई पहुंच गया। कम से कम 15 रन शॉट है भाई ये, कम से कम। अरे नॉट आउट है। अरे शंकर को बैटिंग आती नहीं है, इस बहनचोद को रखा क्यों हुआ समझ में नहीं आता मुझे। अच्छा अब सेकेंड इनिंग्स ब्रेक लेके करेंगे, ऐसे ही कंटिन्यू करो ब्रेक लेके करते ना। सेकेंड इनिंग थोड़ी देर में ब्रेक लेके शुरू करते हैं, 10-15 मिनट तक। और वो वाली सिर्फ अपन क्रिकेट और इस पे ही कंटिन्यू करेंगे रिएक्शन बाय आरजी पर। ओके चलो गाइस फिर एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं एक। लेट्स गो फॉर अ ब्रेक गाइस बॉयज।